सिम्बा हमारा वीडियो को स्टार्ट करने ही नहीं दे रहा है। अभी मैंने उसको खाना दिया और मुझे लग रहा है ना इसको नींद आई है और ये चाह रहा है कि उस कमरे में चलो क्योंकि उस कमरे में बैठ के सोता है। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है ट्यूसडे और अगर अबे तू ना चढ़, तू हट जाओ, हट जाओ, चलो हटो, काम कर लेने दो। सो गाइस, मैं आपको अपनी मेहनत दिखाने वाला हूँ। इसमें मुश्किल से मुश्किल मैं आपको मुट्ठी में करके दिखाता हूँ उसमें कितना योगदान है इस शख्स का, इतना योगदान इसका है, ये वाला अलग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? और इतना मैंने छिला है, ठीक है? तो क्या हो गया? नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। और ये बैठा साथ में था तो हो क्या रहा था? ये शख्स मटर को देखते ही अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला हिसाब हो जाता है। अब मैं इसकी मेहनत आपको दिखाता हूँ। ये है मेथी। हाँ, ये मेथी की आज भुजिया बनेगी। भुजिया तो ये इस पर लगा हुआ है तब से। अभी मैं एक कट्टा जो है कूड़ा बाहर फेंक के आया हूँ, अभी दूसरा कट्टा भरूंगा। कट्टा मतलब 5 किलो वाली पन्नी। अरे वो ले जाएगा सुबह। अरे भर के बाहर रख दूंगा मैं। हाँ। ठीक है, तो वो ले जाएगा। और ये काफी कंफ्यूज्ड इंसान और जानवर जो भी आप कहना चाहते हैं इनको, इनके जीवन में एक मैंने आपको दिखा दिया कि एग्जैक्टली अभी तक क्या हो रहा था। अच्छा, मैच का जैसे मैंने बोला था कि आज मैं सोचा था कि मैच देखूंगा, तो दोनों ही चीजें हो गई। इंडिया मैच जीत तो गई, बट इफेक्टिवली अगर मैं कहूँ तो भाई जब स्कोर ही 174 और समथिंग था तो फिर कोई मतलब नहीं था उस मैच का। अगर दो बैट्समैन भी चल जाते टीम इंडिया से तो काम बन जाना था। विराट कोहली जल्दी क्यों आउट हुए, इस पे आप लोग अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद वो ओवर अग्रेसिव अब खेलना चाहेंगे क्योंकि कप्तानी गई है, ली गई है, छीनी गई है, मांगी गई है, दी गई है, बहुत सारे क्लॉजेस हैं। जो लोग क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो लोग जरूर इस पे अपनी राय रखना चाहेंगे। आई हेट क्रिकेट एक्चुअली, जो चीज जिसको समझ में नहीं आती है। आई जस्ट हेट। बाहर में जाओ। गाइस, मैं आपको एक चुपके से चीज दिखाता हूँ, अगर वो उठे नहीं तो। ये किचन में कदमों पे सोते हुए यहाँ खाना बनाया जा रहा है और यहाँ पे सो रहे हैं भाई साहब। एकदम हिलना नहीं है इनको, यहाँ से किचन वाली मैट पर ही सोते रहेंगे दोस्तों कहीं के। हो गया था यार, चटनी का प्रारूप। ये होता है जब मैं कुछ काम करने के लिए बैठता हूँ, आप देख सकते हैं उधर ये ऑन नहीं होना चाहता, इधर ये ऑन रहता है और सामने ये बैठा हुआ है। ओए लाल, सॉफ्ट स्किन नो, जब मेरे पास इसका इसकी दाल निकलती है तो ये वहां पहुंचता है। सिम्बू, काटा कुटी नहीं करनी है। क्या चाहिए बेटू, क्या चाहिए मुझे बताओ, मुझे बता तो दो। हाँ, मेरे लाल क्या दिक्कत हो रही है छोड़ तो सही। सिम्बू कितनी पागल है, लैपटॉप चलाओगे बेटा? What's up? What do you want to do? अगर मेरा मुखड़ा थोड़ा सा सजा संवरा हुआ सा दिख रहा होगा तो हाँ, थोड़ा सा मैंने टचअप सा किया है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी और हाँ, मुझे मजा आता है उसके लिए शूट करने में। मत कर, लग रही है मुझे। तो गाइज, डेली व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं? अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेली व्लॉग अपलोड करें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक्चुअली बड़े व्लॉग से मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्स्ट्रा
लाइक वो हमने ऐसे ही डाल दिया है। बड़े व्लॉग का मतलब ये होता है कि हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट अगर रहता है तो मैं जितना ज्यादा कट करने की कोशिश करती हूँ उतना कट कर देती हूँ, जितना लगता है कि मुझे कि नहीं वो बहुत ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ शेयर करने में। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हो कि बहुत छोटा वीडियो बनाओ, बहुत छोटा वीडियो बनाओ, आप वायरल हो जाओगे, वायरल हो जाओगे। यार जब होना होगा हो जाएगा। आप लोग को जितना देखना है आप उतना देखो, ऐसा कुछ कंपलसरी तो है नहीं कि आप छोटा वीडियो बनाऊंगी तो आप पूरा देखोगे। आप तब भी पूरा नहीं देखने वाले, आप अब भी पूरा नहीं देखते हो, तो अप्रिशिएट किया करो यार। कमियां निकालने के बजाय आप अप्रिशिएट करना सीखो औरों के काम को। एक रील्स में मैं खुद था, अब तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। जब भी बोलो तो मैं तुरंत वही दिखाऊंगा, मैंने बनवाई है। बाढ़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, है ना। अब कोई कोई मुद्दा ही नहीं है, पगलाट है। एक कोई यार कोई फ्रीलांसर दे बता दो, 1000 रुपए महीना दे दूंगा जो इसकी रील्स बनवा दिया करे। मेरे को आती है कैमरा पर्सन जो ऐसे 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 पकड़ ले, ऐसे करके यूं कर करके इंस्टाग्राम देख लो, पता ही नहीं लगता है कि इस देश में औरतों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है। हालांकि ये लाइन बोल नहीं सकते आप, लेकिन इंस्टाग्राम देख के लगता ही नहीं है। इंस्टाग्राम देख के तो लगता है कि लॉन्डो के पास चेहरा ही नहीं है, है ना। ऐसे कर नहीं सकते आप इंस्टाग्राम पे, अजीब लगोगे। और लड़कियां सीधे खड़ी नहीं हो सकती इंस्टाग्राम पे, उनका कोई ना कोई एक अंग आगे या पीछे की तरफ जरूर जो है रहता है निकला हुआ, अगर पूरा दिख रहा है तो, है ना। अंग प्रदर्शन नहीं, वो झका दबा भी रहेगा तो भी वो डिफॉल्टेड रहता है, स्ट्रेट नहीं खड़ी हो सकते, है ना। भगवान ही जाने क्या है, मैं तो आज तक समझा ही नहीं कि ये इंस्टाग्राम का जो ऑब्सेशन है रील्स बनाने का, वो सारे जो है जॉन अब्राहम, क्या हुआ, क्या भैया, कहा चाचो आज क्या हुआ, क्या बात है। वो कह रहा है कि मुझसे बात करो, आपस में क्यों बात करो, क्या बात है। अरे मुहैया ऊपर तो कर लो, सिम्बू चोट लग जाएगी बेटू। सिम्बू तुम्हें दांत से करंट आ रहा है बेटा। सिम्बू मैं छींच सकता हूँ तुम्हें मुहैया पे, है ना। ये कौन सा प्यार हो रहा है, ये कौन सा प्यार हो रहा है। पूछी हिल रही है इतने पर भी। तुमसे अच्छा स्नोई है, चिढ़ जाएगा। स्नोई अच्छा है, सिम्बा गंदा है। स्नोई अच्छा है, स्नोई को ले आएंगे हम। क्या हुआ, किस बात का गुस्सा निकाल रहा है। तो हम लोग चाय पीने के लिए बैठे थे, मतलब ये मेरी चाय है, ये इनकी चाय है। तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसे खाली चाय नहीं लूंगा, नमकीन दवा खाना चाहता है मेरी। सिम्बू नो, अगर ये पानी का कप गिरा तो तुम गिरे हुए ही दिखोगे। तो हमारा मतलब मेरा नहीं, इनका नमकीनों का पिटारा आप लोग देखो, ये दिखाओ भाई अपना। यार वो एक्चुअली कौन प्लेट निकाले, मैंने सोचा मैं इसी में खा लूंगा सीधा सीधा। ये वाली तो अच्छी नहीं है, ये इनका नमकीन खत्म, ये इनका नमकीन का पिटारा। मेरे पास दो ही है बच्चे, बताओ। अरे बाबा ऐसे कैसे काम चलेगा, इन्हीं दो को खा लो। ये कल मेरे लिए आया था फूल, फूल बनाने के लिए फूल। ये हमने रख दिया यहाँ पर। क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, ऐसे पगलेटों की तरह क्यों बैठे हो पे? आप देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 12:30 और ये यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है। मैं आपको अभी अपने दिव्य दर्शन भी कराता हूँ, रुकिए। गाइस आप लोग मेरे शक्ल को देख करके पहचान रहे होंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका दोषी मैं नहीं हूँ, मेरी तबीयत है। और अपनी तबीयत के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ से अपडेट करा दूँ कि जो दूसरा हलकट आदमी है उसकी भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। और मिस्टर सिम्बा ये नीचे पड़े हुए ये कर रहे हैं मेरी चाय।
हाँ चने भिगा लो, चने की सब्जी बनाएंगे। ओके चने की सब्जी बन जाएगी। सो अभी मैंने काम शुरू नहीं किया है आज वाला, लाइक मैं डेली रात को अपना 2 से 3 घंटे देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से जब से मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो वो क्वालिटी टाइम नहीं जा रहा है, उस टाइम पे क्वालिटी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो अभी मैंने ये सोचा है कि आज थोड़ा सा अच्छा काम किया जाएगा, अगर हो पाएगा तो उसी पर फोकस है कि कुछ करेंगे। और चाय इसीलिए बनाई जा रही है, और एक तरफ आई थिंक या तो नेटफ्लिक्स की कोई मूवी चलेगी या फिर हॉटस्टार पे 2 वेब सीरीज आई हैं वो चलेंगी, दोनों में तो कोई एक चीज़ चलेगी साथ में और उसी के साथ काम होगा। ये कैसी तबीयत है? अभी दवा लिया। अभी दवा लिया? पता नहीं किस हरामखोर की नजर लग गई मुझे। मेरे को एक टैबलेट लेनी पड़ी है, उसके बाद फिर मेरे से उठा गया है। ओके दिस इज व्हाट यू थिंक, यू आर नॉट अलाइव। आज वाकई में बहुत दर्द हुआ मुझे, इतना दर्द मुझे हाथ पैरों में कभी नहीं हुआ। बेटा तुम ही बाहर जाते हो, तुमसे ही हुआ होगा जो भी हुआ। आवाज चुप।